तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अष्टी गुरु फ्रेंड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन, इसे हिंदी में कह सकते हैं मात्रकों का बदलना, यानी कि एक मात्रक से दूसरी मात्रक में चेंज करना। जैसे में क्वेश्चन में दिया गया है 0.42 मीटर को बदलें डेसी मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में, यानी कि हम यहाँ देखिए मीटर से चेंज कर रहे हैं इन सारे यूनिट्स में। तो कैसे चेंज करते हैं इसके साथ साथ हम लोग इसे भी समझेंगे, यहाँ जो डेसी, सेंटी और किलो है इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट को चेंज करने से पहले आप इन तीनों टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले टेबल में क्या है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, यानी कि इस सब में मीटर लगा हुआ है। फिर दूसरे टेबल में देखिए किलो, हेक्टो, डेका, डेसी के साथ यहाँ ग्राम लगा हुआ है। इसमें क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी के साथ यहाँ लीटर लगा हुआ है। तो इसमें जो मीटर है इस टेबल में, यह बेसिक यूनिट है, यानी कि इसका जो बेसिक यूनिट है वो मीटर है। इसी प्रकार यहाँ बेसिक यूनिट देखिए यहाँ ग्राम है, इसमें क्या है यहाँ लीटर है। तीनों में अलग अलग बेसिक यूनिट हैं, मीटर, ग्राम और लीटर। तो इन तीनों टेबल में जो बच गए किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, वो क्या होते हैं। तो देखिए इसका जो मान होता है वो इस प्रकार होता है, किलो का मतलब होता है 1000, हेक्टो का मतलब होता है 100, डेका मतलब 10, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100 और मिली का मतलब होता है 1/1000। तो यह काम कैसे करता है, देखिए यह जब किसी बेसिक यूनिट के साथ लगता है तो उसका मान चेंज कर देता है। जैसे यहाँ बेसिक यूनिट देखिए मीटर है, इन सभी में बेसिक यूनिट मीटर है। तो जब मीटर के साथ यह किलो लगा हुआ है तो इसका जो वैल्यू हो जा रहा है वो 1000 मीटर हो रहा है, क्योंकि एक किलोमीटर का मान हम जानते हैं 1000 मीटर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ किलो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1000 मीटर की बात हो रही है। इसी प्रकार जब हम हेक्टोमीटर की बात करेंगे तो हेक्टो का मान होता है 100, तो हम 100 मीटर की बात करते हैं। इसी प्रकार जब डेका की बात करते हैं तो डेका मतलब 10 होता है, डेका मीटर बराबर 10 मीटर। इसी प्रकार डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, सेंटी मतलब 1/100 मीटर, यानी कि बेसिक यूनिट के साथ यह लग के उसका मान बदल देता है। तो अब हम लोग यूनिट को चेंज करना सीखेंगे। जैसे हमें किलोमीटर से डेकामीटर में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले यहाँ तीनों में समझ चुके थे कि यहाँ जो बेसिक यूनिट है वो यहाँ मीटर है, यहाँ ग्राम है, यहाँ लीटर है। तो इस बेसिक यूनिट के सारे हम लोग चेंज करना सीखेंगे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में। तो हम इस टेबल के सारे यूनिट को चेंज करना सीखेंगे। देखिए यहाँ सबसे बड़ा है किलो, फिर इसके बाद हेक्टो, फिर डेका, फिर बेसिक यूनिट, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, यानी कि यह घटते क्रम में है, इधर से बड़ा है फिर इधर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें बड़े से छोटे यूनिट में चेंज करना हो तो हम गुना करेंगे। देखिए इस लाइन में ध्यान दीजिए, जब हम इधर से इधर बढ़ेंगे तो हम गुना करेंगे, लेकिन हम जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करेंगे तो हम लोग भागा करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए इन सभी में 10-10 का अंतराल होता है। जैसे अगर हम किलो से हेक्टो में चेंज करना है तो देखिए हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना 10 करेंगे, यानी 10 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार जब हम हेक्टो से डेका में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ करेंगे तो गुना 10 कर देंगे। इसी प्रकार जब हम डेका से बेसिक यूनिट में चेंज करेंगे तो यहाँ भी हम लोग गुना 10 करेंगे। फिर यूनिट से देखिए यहाँ पे डेसी पे आएंगे तो गुना 10 करेंगे। इसी सब में हमें गुना 10 करना है, क्योंकि 10 का अंतराल होता है और हम लोग बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो गुना 10 करेंगे, यानी कि सब में 10-10 का अंतराल होता है। लेकिन जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आएंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अगर यहाँ चेंज करना है तो भागा 10 करेंगे। इसी प्रकार सब में भागा 10 करना है। तो अब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 0.42 मीटर को बदलें डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है मीटर है, मीटर क्या होता है बेसिक यूनिट होता है, और बेसिक यूनिट का जो पोजीशन होता है देखिए यहाँ होता है इस यूनिट पे पोजीशन पे, और हमें चेंज करना है पहले क्वेश्चन में देखिए डेसीमीटर में चेंज करना है, यानी कि इस बेसिक यूनिट से हमें डेसी में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम गुना 10 से कर देंगे, यानी कि इस बेसिक यूनिट से अगर हम डेसी में चेंज करेंगे तो 10 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं, 0.42 मीटर को डेसीमीटर में चेंज करते हैं। देखिए हमारा मान दिया गया है 0.42, इसे लिखेंगे बराबर देखिए 0.42, और हमें देखिए चेंज करना है डेसीमीटर में, तो क्या करेंगे हम गुना 10 कर देंगे। अगर 10 गुना करते हैं तो इस दशमलव का जो पोजीशन है तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 4.2, यह हो जाएगा डेसीमीटर। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए हम बेसिक यूनिट से यहाँ से देखिए बेसिक यूनिट हमारा यहाँ है, इस बेसिक यूनिट से हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ से कितने बार गुना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 10 गुना 10 यानी 100 बार गुना करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम 100 से गुना कर देंगे,
यानी कि 0.42 को हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ दशमलव हट जाएगा और सिर्फ 42 बचेगा, यानी कि 0.42 मीटर बराबर 42 सेंटीमीटर। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इसे किलोमीटर में चेंज करना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, इस मीटर से हमें किलोमीटर में चेंज करना है। मीटर यानी बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट का पोजीशन यहाँ होता है, हमें किलोमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर यहाँ है, देखिए किलो यहाँ है। हम क्या कर रहे हैं कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें भागा देना पड़ेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, बेसिक यूनिट से किलो में पहुँचने के लिए कितने बार भागा देना पड़ेगा। देखिए, 10 × 10 × 10 यानी 1000 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, हम 0.42 को किलोमीटर में चेंज करने के लिए इसे 1000 से भागा देंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, 0.42 लिखेंगे और भागा देंगे इसे 1000 से। इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, इसके पास पहले से दशमलव के बाद दो अंक हैं और यहाँ 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, 0.00042 ये किलोमीटर में हो जाएगा। अगर इसका यूनिट लिखना चाहें सभी में, देखिए हम किलोमीटर का यूनिट इस प्रकार लिखेंगे, KM, सेंटीमीटर का यूनिट लिखेंगे, देखिए CM, और फिर डेसीमीटर का लिखेंगे DM। तो ये तरीका होता है यूनिट को चेंज करने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।